एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते ही देखते आज वो दिन आ चुका है जब नैना और रजत हमें फाइनली अलविदा कहेंगे और वो अपने वापस इंडिया और हम यहाँ रह जाएंगे पीछे। तो बस अभी मैं तैयार हुई हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाऊँगी। त्यागी जी और वेदा घर पे रहने वाले हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इतना फास्ट फास्ट होएगा तो क्यों हमने हसल बसल करना है और इसको अपने साथ लेके जाना है। अभी इसे खिला पिला दिया, ये अपना सो रही है, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा मैक्सिमम और इन लोगों को छोड़ के आते, फिर आप लोगों से मिलते। जाने का टाइम आ गया, चलो। तो इनका सामान टैक्सी में भरना शुरू कर रहे हैं। अब हम टैक्सी भी आ चुकी है, चलते हैं लेके प्रभु का नाम। ले आऊं कुछ, ले जाओगे तुम तो बाहर रखूं। No need to worry. When they came, they dropped all their luggage on day one, so it's fine. You're fine. All of them. Yeah, yeah, yeah. They like to drop luggages. It's their favorite hobby. चलो जी, लगेज भी हो गया गाड़ी में, अब चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से जाना सब लोग। Jen, don't cry. I'll be back though. You don't have to cry for me. Miss you guys. We will also miss you. Take care. Come to India. Yes. Okay. Bye. Okay. नाना शक्ल तो दिखाओ थोड़ी। Why your wife is so emotional, है? नहीं शक्ल दिखा। मैं इन लोगों को literally एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी वो फीलिंग सिंक इन नहीं है कि तुम लोग जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है हम एक और कहीं ऐसी जा रहे हैं, डे टू डे लाइफ। जब अकेले बैठेगी ना तब मुझे पता चलेगा, मैं मुझसे ज्यादा फूट फूट के रहेगी और मुझे पता है तो उस टाइम व्लॉग नहीं करेगी और फिर मुझे बोलेगी कि नहीं नहीं रोती, मैं तो बिल्कुल नहीं रोती। मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, वो तो सच है, ना ही मैं रोऊंगी क्योंकि मैं अकेले होंगी ही नहीं ना। ये वरदान होती मेरे पास तो है, मेरे पास है अपनी लाडली परी, सो विल बी फाइन। मुझे रोज उसकी फोटो भेजती रहा है, अगर रोज कॉल आएगा तो ही मिलेगा वरना मुश्किल है। और अब हम भी बस पहुंचने वाले होंगे 5-10 मिनट में मैक्सिमम, और देखते हैं अगर उस टाइम मेरी आंखों में कुछ आ रहा है। ये देखिए, जब घर में जल्दी जल्दी तैयार होना हो तो किस तरीके से ये तैयार होके आते हैं। मैंने क्रीम भी नहीं लगाई, बट लेकिन तूने लेट भी नहीं किया था, इट्स ओके। अगर तू क्रीम यहाँ लगा रहा है सो विच इज फाइन। आज तो ये टाइम से पहले तैयार था और खाना भी खाया इसने, मैं तो बड़ी इम्प्रेस थी इसकी स्पीड से। बट मैं मिल नहीं पाया, कोको से नहीं मिल पाया। बाकी कोको तेरे को खाना खाते हुए मिलने तो आई, चलो उससे समझ आ गया उतने में ही। वो भी बेड के नीचे घुस के रो रही थी मेरी सुबह से कि जा रहे हैं ये। सही में वो सुबह से बेड के नीचे ही थी, बाहर ही नहीं आ रही थी। आज कुछ बार बार हमारे पास आ जा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। अरे अभी वो तो हमारे पास बार बार इसीलिए आ रही थी क्योंकि शायद उसको भी सेंस हो गया होगा कि हम जा रहे हैं। उसे पता था कि वो पैक होने वाली है या तो तुम्हारे साथ। कि उसने बैग देख लिए तो उसको पता लग गया हम जा रहे हैं, और इतने टाइम से हम उसके साथ इतने प्यार से रह रहे थे, उसको वो पता नहीं लगा कि हम उसे प्यार करना चाह रहे थे। दोस्ती नहीं करी अब जाने का उसको एकदम से, या तो उसे खुशी हो रही होगी इसलिए आ रही होगी, फाइनली जा रहे हो तुम लोग। तो अचानक से वैल्यू आती है। ये एयरपोर्ट के पास हम पहुंच गए, मंजिल कितनी नजदीक है, सफर कितना दूर है। यहाँ अंदर तक तो आ ही सकती मैं, बस जब पासपोर्ट मांगेगी तब नहीं आ सकती। चलो एटलीस्ट तुम लोगों का भी हो ही गया, कैसे कैसे हो ही जाना, अब तो उम्मीद है मुझे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जद्दोजहद में बस हो जाए इन लोगों का भी सारा चेक इन सामान। इसका पानी पीने में तो वैसे भी हमेशा मिली, ओह माय गॉड, इसने पीने खत्म कर दी, अंदर से गिर गया, कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। क्या ये पिछले 2 मिनट से 1 लीटर पानी यू हैव नो आईडिया कितना मुझे कितना स्ट्रेस था। आई नो, अब स्ट्रेस फ्री हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाल नहीं बना पाया ढंग से। सो आप लोग भी इन्हें आखिरी बार मेरी स्क्रीन में देख लीजिए। अब कुछ टाइम के लिए ऐसा क्या फिर से मिलेंगे हम जिंदगी में, बट लाइक आई डोंट नो इस साल के लिए अगले साल के लिए। हाँ, नहीं नहीं, हम भगवान से प्रे करेंगे, आप रुक नहीं पाओगे। वेदा के नाना नानी और दादा दादी तुझे छोड़ेंगे नहीं अगर तू इंडिया है। आई मीन उसके साल से तो पहले पहले आना ही पड़ेगा, नहीं तो बोले बचपन ही नहीं दिखाया। सो अभी लोग जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ क्योंकि मुझे भी 2 घंटे हो गए, हमें नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा इन्हें ड्रॉप करते करते, वेदा ना उठ जाए। तो अब इन्हें बस मैं यहाँ से बाय बाय कर रही हूँ। सब कुछ हो गया, सब सही से हो गया, अच्छे से हो गया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सो निकलो, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। जा रही हूँ, चले जाना तुम, एक बार अंदर निकल जाओ। बाय बाय, मैं यही हूँ।
बाय बाय बाय, ऑफ कोर्स आई मिस यू बी हियर, बाय। जिस गेट से अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, इसी गेट से मैं 3 महीने पहले आई थी अपने जिगर के टुकड़ों को लेने, और आज अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़ के भी आ गई हूँ। बट इट्स ओके, ऑफकोर्स मैं उदास हूँ, बट मुझे मालूम है कि मैं जल्द इन लोगों से मिलूंगी तो इतनी भी ज़्यादा उदास नहीं। अभी घर चली जाती हूँ, फिर वहाँ बात करते हैं। मुझे भी घर के लिए अब टैक्सी मिल गई है, तो मैं भी घर निकल रही हूँ। और अभी मैंने बस वेदा को कॉल, मतलब वेदा को तो नहीं, वेदा के पापा को कॉल किया था चेक करने के लिए, उठी तो नहीं, तो वो भी सो रही है, शी इज़ ऑल्सो कॉपरेटिंग विच इज़ गुड। और अब घर जाके सबसे पहले कुछ खाऊंगी, सुबह से कुछ नहीं खाने को मिला सिवाय आधे सैंडविच के, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा थी। आई होप अब इन लोगों की फ़्लाइट अच्छी हो, अच्छे से पहुंच जाए। आई नो नैनू बहुत इमोशनल है, और मैं अपने इमोशन सप्रेस नहीं करती हूँ, इस जस्ट दुखी होने वाली बात ही क्या, जब मुझे मालूम है मैं उनसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। वाई टू लुक एट इन नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव, खुश रहो, आबाद रहो, आई गेस। सो मैं भी घर पहुंच चुकी हूँ ऑलमोस्ट। मैंने थोड़ा अपना राइड जल्दी एंड कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा आएगा इस वो फीलिंग मेरे अंदर सिंक इन हो गई थी जिसकी नैन्सी बात कर रही थी। स्टिल मैं आंसू नहीं बहाऊंगी क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हूँ, एंड आई शैल रिमेन दैट वे। अंदर चलते वेदा को मिलते, मूड फिर से हैप्पी हो जाएगा। ओ, वेदा तो बहुत रो रही है बेचारी। मम्मा आ गई, ठीक टाइम पे पहुंची थी। वेदा भी इस टाइम उठी थी, तो अब ये खा पी के दोबारा से सोने की तैयारी में। अभी सोच रही सोऊं कि और खाऊं, बट मेरी जस्ट अभी नैन्सी और रजत से बात हुई है, उनकी भी बोर्डिंग हो चुकी है, मतलब होने वाली शुरू, और अब वहां जाके उन्होंने भी इतने नाम से थोड़ा सा खा लिया है, क्योंकि सिर्फ रजत घर से खा के गया था, नैन्सी से बेचारी से एंग्जाइटी और उसने कुछ खाया नहीं गया था, तो आई एम हैप्पी अब उसने भी कुछ खा लिया है। और अब मैं भी जाती हूँ नीचे, कुछ मैं भी खा लेती हूँ, मिलूंगी आप सभी लोगों को थोड़ी देर में। अब बस मैंने वेदा को नहलाना था, देखती हूँ क्योंकि धूप भी चली गई है थोड़ी सी, शायद ना नहलाऊँ अब, तो इसके कपड़े वपड़े चेंज कर देंगे वैसे ही, क्योंकि अब मौसी तो है नहीं हेल्प करने के लिए, तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट मम्मी एंड पापा नाउ। अभी आई गेस, मतलब ऑफकोर्स कुछ दिन तो बहुत खाली और सूना सूना लगने वाला है। वैसे तो आज जैन भी यहीं आई हुई थी, तो अभी तो नहीं है, बट मुझे लगता है कल सुबह बड़ी अनोखी होने वाली है, क्योंकि नहीं तो रोज़ सुबह नैन्सी आ जाती थी, मतलब जैसी वो उठती थी कि मैं आऊँ, मैं ले जाऊँ इसे, तू सो जा तब तक। अब तो वो सर्विसेज भी गई, तो मोर टाइम फॉर मी एंड वेदा, आई गेस, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। यहाँ पे हमेशा लाइट ऑन होती थी, अभी कैसा हो गया कमरा बन के बाजार, खाली खाली सा, अस्त दस्त, कोई नहीं। अब इस कमरे को मैं और वेदा फिर से रीडेकोरेट करेंगे थोड़ी सी मासी और मौसा की मेमोरीज के साथ, और थोड़ी सी वेदा की नई मेमोरीज के लिए। अब मैं खा रही हूँ और वापस से अब ये लोग मुझे सिर्फ टीवी स्क्रीन पे ही नजर आने वाले। मैंने इनके ब्लॉग भी नहीं देखे, एक दो दिन पुराने वाले, तो अब वो देखती हूँ, खाना खाती हूँ। आई गेस अब मेरा जीवन वैसी हो गया जैसे पहले था इनके आने से, हो गया खाने के साथ मीठा भी हो गया। अब सोच रही हूँ थोड़ी सी पावर नैप ले लेती हूँ, तो अब आप लोगों से उठ के बात करेंगे हम। टीवी बस खत्म होने वाला है, इसके बाद अब मैं सोने चली जाऊंगी। टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं लगा, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, आके चले भी गए और अब वापिस स्क्रीन पे ही दिखेंगे। अभी त्यागी जी यहाँ बैठे हुए थे तो कहते कि लग गई तो अपने फिर से उसी कामों में, कहा मैं क्या करूँ अब तो चले गए, अब तो मुझे नसीब नहीं हो गए वैसे देखने को। फिर पूछे तो अपनी बहन को मिस कर रही, मैं कहा नो नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे नैना और रजत के जाने के बाद, तो अभी वेदा रो रही थी, आई मीन रो नहीं रही है, ये रोने का मूड बना रही है, और जैसे ये मूड बनाती थी यूजुअली उस दरवाजे से नैन्सी उड़ते हुए अंदर आ जाती थी, तो आई गेस आज उस दरवाजे से कोई आने नहीं वाला है, और मेरे चंदा के पास सिर्फ आज मैं ही होने वाली हूँ। और मेरे बेटे मासी का है, मासी का है, मासी नहीं है यार। मैंने कल वेदा के लिए अमेजोन से सामान मंगाया था, आ भी गया, सब कुछ ही आ गया, आई गेस थोड़ा बहुत ही रहा। सामान मंगाया था वेदा के लिए, वो जो मैंने पैसिफायर बोले थे वो आ गए, ये पैसिफायर का केस है और उसकी लिस्टिंग, ये मैं एक बार आपको खोल के दिखाऊंगी कि कैसा है एक वो, और इसमें नीचे उसके लिए
टब है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी होगी जो टब मेरे पास उसमें फिट नहीं आती, ये भी एक बार खोल देती हूँ। ये इसका टब है और इसे देखने के लिए ये सबसे ज्यादा उत्सुक है। अच्छा आ गया टब, मुझे लगा था ओ इसके साथ वो तो आया नहीं, वो अलग नहीं है, है तो। ओके ओके, ये बड़ा है काफी, इसमें तो प्रॉपर फिट हो जाएगी। इसमें ये सारी चीजें आएगी, जैसे ये नेट जैसा जो यहाँ पे है, और ये दो अलग किस्म के, ये इसके लिए जैसे शावर के लिए छेद वाला, और ये पानी डालने के लिए रेगुलर। तो अभी इत्मीनान से बड़े टब में नहा सकती है, ये अलग अलग पोजीशन पे सेट हो जाता है ताकि नीचे या ऊपर जैसे भी, और अब मैं इसको आराम से नहला सकती हूँ। नहीं तो हमें इतनी दिक्कत आती है इसको नहलाते हुए, एक तो वो छोटा और हम बेड पे नहलाते हैं, अब मैं इसको बाथरूम में नहला सकती हूँ शावर टब में। मैंने इसके लिए मंगाए है मतलब ये कैप जैसी जिसमें बो लगे हुए, और ये मैंने बहुत सारे कलर में मंगवाया है इसके लिए, क्योंकि मुझे अलग अलग आउटफिट के साथ अलग अलग कलर चाहिए थे। दे लुक क्यूट यू नो, बच्चे अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ों में। लगता है मैं कुछ ओवर एक्साइटेड न्यू मॉम हूँ, तो मैंने ये केसेस भी ऑर्डर करे पैसिफायर के लिए, बट ये वाले ऑलरेडी केस के साथ आए जिसमें आप इसको स्टरलाइज भी कर सकते हो और इसको स्टोर भी कर सकते हो। और इसके साथ फिर मैंने ये मंगाया जो इसके कपड़े में लग जाएगा। मुझे काफ़ी सारे मॉम्स के मैसेजेस आए थे कि आप पैसिफायर मतलब वो अच्छा नहीं होता, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इट। ओनली मैंने ये पैसिफायर इसके डेली यूज़ के लिए नहीं लिए, ये है जैसे अगर हम ट्रैवल पे है या हॉस्पिटल में है जहाँ पे मैं इसे एकदम से फीड नहीं करवा सकती, या फिर ये सिर्फ इसलिए क्रैंकी हो रही है कि अभी कोई नया है सराउंडिंग में, या शोर है या कुछ है, जहाँ पे मतलब मैं इसे एकदम से कुछ दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब हॉस्पिटल जाता है तो ये रोती है, काफ़ी रोती है, तो अब आप वहाँ फीड तो करा नहीं सकते क्योंकि इसका चेकअप चल रहा होता है। तो या तो मुझे इसको फिर प्लास्टिक वाले ग्लव्स के साथ अपनी फिंगर देनी होती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा उससे अच्छा पैसिफायर से मंगा लेती हूँ, और जब एक बार थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो और आसान हो जाएगा इसके साथ काम करना, तब तक इसे हम और ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने सिर्फ 0 to 6 months तक के ही मंगवाया है, अभी 6 महीने तक तो ये भी समझ जाएगी, मैं भी समझ जाऊँगी, तो शायद इतना रोए ना तब ये हॉस्पिटल विजिट्स में। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मैं अभी सेटअप करके दिखाऊंगी, बट मेरे को तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया। इसमें ये है, अगर मैं इसको खोलूँ तो ये बाथटब में एम्प्टी हो जाएगा, मुझे लिफ्ट करके भी इसको भरने की ज़रूरत नहीं, ना खाली करने की ज़रूरत है। वाह, ये तो मतलब होता है ना हिडन सरप्राइज हो गया मेरे। जब आपका यूज़ हो जाए तो आप इसका ये ऐसा वाला जो कपड़ा है ये पीछे से घुमाओगे तो उसमें पॉकेट है, उसमें इसका सारा सामान रख के सुखाने के लिए रख सकते हो शावर हेड पे। यस वेदा, आई एम कमिंग। जो मैंने अमेजोन से बाथटब मंगाया था वेदा के लिए, उसमें नैना का इतना मन था कि वो वेदा को नहलाए, इतना मन था कि नैना तो कहाँ से उसमें फिटानी थी, पर वो टाइम से पहुंचा नहीं और ये लोग तब तक चले गए थे, तो इट्स ओके। आज मैंने उसे यूज़ किया है, इवन दो वो इतना कन्वीनियंट और इजी लग रहा था पर है नहीं, क्योंकि हम दोनों उसी में बहुत क्या कहते हैं उसे घबरा गए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था इसको कितने एंगल में बिठाए कितने में ना बिठाए, हम उसका सर धो सकते उसमें कि नहीं धो सकते। तो बट मिशन अकॉम्प्लिश्ड, हमने कर ही दिया वो यूज़, और उसमें उसको नहलाया भी और सर भी धुलाया, पर हमने सर गोद में लेके धुलाया क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि पानी मुंह पे गिरेगा तो फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको कैसे नहीं। कोको को देख के तो लग नहीं रहा कि वो उन दोनों को ज़्यादा मिस कर रही है या ऐसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है, बट तुम अपना बताओ। मतलब कि मैं मिस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मिस या मिस सुनना सुनना तो हो गया कुछ करने के लिए, पहले तो मतलब होते थे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एकदम मतलब ऐसा खाली सा माहौल, मतलब ऐसे नहीं कि सैड सैड या फिर ग्लूम सैड नहीं, पर सुनना हो गया। अब हम दो हैं, पहले 4 आदमी होते थे तो बात बात करते रहते थे, ये कर लो, दिन निकल जाता था इजीली, अब दिन ही नहीं निकलता। पहले तो दिन में बहुत मुश्किल से सोया करती थी मैं, और अब ऐसे कि सो जाती हूँ पूरे दिन तो कोई नहीं सोती, पर मुझे लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है अब, तुमने जाने सोने अपनी शिफ्ट करनी तुमने कंप्लीट, क्योंकि अब तो 2 ही रह गए। इसे वेदा अर्ली राइजर है, 6 से 7 के बीच में तो उठ ही जाती है हर दिन, मैं बेशक जितने मर्जी बजे सोई हूँ पर ये सुबह जल्दी उठ जाती है, इसीलिए नैन्सी हमेशा हेल्प कर लेती थी, इसको अपने साथ ले जाके सुला देती थी या इसको एंटरटेन करके रखती थी ताकि मैं 2 एक्स्ट्रा घंटे सो सकूँ और मेरा दिन सर्कुलेट हो सके। तो आज तो पता नहीं, वैसे हमारा दिन निकल गया है, अब आगे के दिन कैसे निकलेंगे ये तो भगवान ही मालिक है, बट आई एम प्रीटी श्योर हम लोगों को भी आदत हो ही जाएगी। अब ऑफकोर्स इवेंचुअली हमने भी कभी ना कभी तो इसको अकेले से देखना ही था, हमेशा कोई साथ हो ये भी पॉसिबल नहीं है, बट आई गेस सूनर द बेटर। फिर वेदा को नहला के मैं भी इसी के साथ दिन में सो गई थी, मैं बहुत थक गई थी, बट जब मैं दिन में सो रही थी, मतलब आपको कभी कभी ऐसा होता ना इतनी गहरी नींद आती है एकदम से कि आपको पता नहीं चलता रियलिटी और सपने में क्या डिफरेंस है, तो उतनी गहरी नींद आई थी मुझे, सोई तो मैं आधा पौना घंटा थी ज़्यादा नहीं, पर मैं ना उस दौरान
त्यागी जी से एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जिस वक्त मैं सो रही थी आपको उसी वक्त वैक्यूम और सफाई का ख्याल आया? मैं काफी क्लीन हूँ ना, और क्लीननेस मेरे को पसंद है। वो तो बहुत अच्छी बात है, पर परंतु जब कोई सो रहा आपको तभी ध्यान आया? वैक्यूम से मुझे याद आया, वो सब छोड़ो, ऊपर जाना इधर नैना रजत के कमरे में और वो कर ले रहा। क्या कर लेना? डू ए कवर जो आज तक नहीं आया मेरे को। नहीं वो तो मैंने भी सोचा था, वो उनका कमरा साफ करके एडजस्ट करना है थोड़ा उसमें, क्योंकि कल ही मैं बोल रही थी कि मैंने इसके लिए उसमें थोड़ा सेटअप करना है, बट वो मैं कर दूंगी, नॉट बिग इश्यू और डील फॉर मी। पर आज के लिए तो खैर मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि अरे क्यों? और चला ली? नो, मैं यही खत्म करूंगी। खत्म कर लियो ब्रो, क्योंकि अभी डिनर का भी देखना हमने कैसे और क्या करेंगे। अब हमारे पास चार एक्स्ट्रा हैंड्स तो चले गए हैं, तो दो ही बची है, थोड़ी खुली है। अब इसकी भी आंखें खुल गई, इसकी भी नींद पूरी हो गई है, तो ऑफकोर्स पहले मैं इसकी नीड्स को पूरी करूंगी, उसके बाद हम आज डिनर में देखेंगे क्या बनाएंगे। थोड़ी सी सब्जी भाजी खत्म हो रही है, बट अभी हम सोच रहे हैं कि कल जाएंगे, क्योंकि हमने दालें भी लेनी है, तो अभी हम पहले सोचेंगे कि हमने कौन से वाले ग्रोसरी स्टोर जाना है। और और कल शायद हम मंदिर भी जाएंगे, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है हमारा डे कैसा होगा, क्योंकि वेदा के साथ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है पूरा दिन। तो मिलूंगे आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। यस यस, टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय।